लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे अधिक मात्रा में ना करें चीनी का सेवन, लीवर को पहुंच सकता है बहुत ज़्यादा नुकसान। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। चीनी का सेवन सेहत के लिए हानिकारक होता है। ज़्यादातर चीनी खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, वजन भी तेजी से बढ़ता है। जिन लोगों को चीनी वाली चाय पीने की आदत होती है उनके लिए चीनी अधिक नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में चीनी लेने से शुगर लेवल अधिक तेजी से बढ़ता है। ज़्यादा चीनी खाने से शरीर के अन्य अंगों की तरह लीवर पर भी बुरा असर पड़ता है। जो लोग नियमित रूप से चीनी का सेवन करते हैं उनके शरीर में लीवर को और भी अधिक नुकसान हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ लीवर के लिए ज़्यादा चीनी खाने के नुकसान। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रुक्टोज एक चीनी है जो फलों के रस, कुछ सब्जियों और शहद में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रुक्टोज का सेवन करने से लीवर में फैट जमा हो जाता है और इससे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। अगर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज का इलाज ना किया जाए तो फाइब्रोसिस, सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। लीवर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर आप चीनी का ज़्यादा सेवन करेंगे तो लीवर के ब्लड शुगर लेवल का कंट्रोल करने में क्षमता कमज़ोर हो जाएगी। इसे डायबिटीज और अन्य मेटाबॉलिक समस्याएं हो सकती हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस फैटी लीवर को और भी खराब कर सकता है और फैटी लीवर इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है। ज़्यादा चीनी का सेवन लीवर में फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म के सुधार के दौरान फ्री रेडिकल्स के प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने लगता है। ये लीवर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और सूजन का कारण बन सकता है। समय समय तक ज़्यादा चीनी का सेवन लीवर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है जो लीवर की गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। लीवर शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने का मुख्य अंग है। ज़्यादा चीनी का सेवन लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन की क्षमता को कम कर देता है। इस वजह से शरीर में हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। हालांकि चीनी सीधे तौर पर अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज का कारण नहीं बनती है, लेकिन ज़्यादा चीनी का सेवन लीवर पर पड़ने वाले प्रभाव को बढ़ा सकता है और इस वजह से लीवर रोग का खतरा बढ़ जाता है। लीवर की क्रोनिक बीमारियों के कारण लीवर कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। चीनी का सेवन कम करने के तरीके। लीवर को चीनी से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आपको अपने आहार और जीवन शैली में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। प्रोसेस फूड्स, सॉफ्ट ड्रिंक, केक, बिस्किट, मिठाइयों का सेवन करने से बचें। इनमें चीनी की अधिक मात्रा पाई जाती है। शहद, गुड़ और फलों में पाए जाने वाले प्राकृतिक चीनी का सेवन भी कम से कम करें। फाइबर युक्त आहार जैसे ताजी सब्जियां, साबुत अनाज, दाल आदि का सेवन करें। फाइबर लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये पाचन में सुधार करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों का निकालने में मदद करता है।
रोज एक्सरसाइज करने से शरीर का वजन कंट्रोल रहता है और लीवर में फैट जमा होने का खतरा कम होता है। हर दिन कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधियां करने की कोशिश करें। चलना, दौड़ना, तैराकी या योग जैसी गतिविधियां लीवर के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती हैं। संतुलित आहार लें जिसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट और कार्बोहाइड्रेट के सही संतुलन हो। ज़्यादा मात्रा में फल सब्जियों का संपूर्ण अनाज खाएं। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। पानी लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया में मदद करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। अल्कोहल में भी चीनी होती है और इसका ज़्यादा सेवन शरीर को अधिक नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अल्कोहल का सेवन बंद कर देना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।